ये चीजें काफी मुश्किल लग रही हैं, लेकिन जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएंगी। तो पहला ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पल्मनरी फंक्शन टेस्ट है उसको करने का तरीका क्या है। ये एक पिक्चर है। पल्मनरी फंक्शन टेस्ट बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसको हम माउथ पीस कहते हैं। ये एक पाइप के साथ कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। जो जिस बंदे का पल्मनरी फंक्शन टेस्ट करना होता है उसको हम ये कहते हैं कि वो पाइप के साथ मुंह लगाए, पहले उसमें जोर से इनहेल करे, फिर एक्सहेल करे, और उसके बाद दोबारा इनहेल करे। पहले वो पूरा इनहेल करेगा, फिर पाइप के अंदर जोर से फूंक मारेगा, एक्सहेल करेगा, और फिर पाइप के थ्रू दोबारा इनहेल करेगा। तो उसकी ग्राफिकल और न्यूमेरिकल वैल्यूज वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगे, जिसको पल्मनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। तो अगर ये टेस्ट हम पेशेंट से नॉर्मल कंडीशन में करवाएं तो इसको हम कहते हैं प्री ब्रोंकोडाइलेटर टेस्ट। लेकिन अगर हम पेशेंट को कोई ब्रोंकोडाइलेटर, जैसे हम सालब्यूटामोल वगैरह दें और उसके बाद पेशेंट को हम ये पल्मनरी फंक्शन टेस्ट रिपीट करवाएं, तो इसको हम कहेंगे पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर। तो प्री और पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर जो पल्मनरी फंक्शन टेस्ट है उसका एस्थमा, एस्थमा इज द रिवर्सिबल एयरवे नैरोइंग। तो ये उसकी एक थोड़ी दोबारा ये है, ये नाक के ऊपर जो लगाया हुआ है इसको हम क्लिप कहते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि जब पेशेंट इनहेल या एक्सहेल करे तो पेशेंट की नाक के जरिए एयर वो रिलीज ना हो, सारी एयर मुंह के जरिए पाइप के अंदर जाए और वहीं से वापस आए। अच्छा जी, अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं पल्मनरी फंक्शन टेस्ट के। वो तीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री में ये होता है कि जब हम पेशेंट से मनोवर करवाते हैं तो वी गेट न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो तीन वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम देखते हैं। पहली वैल्यू है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, इसको हम कहते हैं FEV1। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, इसको FVC कहते हैं। और थर्ड है, इन दोनों वैल्यूज की रेशियो है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है फ्लो वॉल्यूम लूप। इसमें जो हमने मनूवर करवाया है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। और थर्ड कंपोनेंट है आर्टीरियल ब्लड गैसेस। बेसिकली स्पायरोमीट्री और फ्लो वॉल्यूम लूप हमें एयरवेज का फंक्शन बताते हैं, और आर्टीरियल ब्लड गैसेस हमें एल्वियोलाई का फंक्शन बताते हैं, जो कि प्रीडोमिनेटली आपको इल्म है कि गैसियस एक्सचेंज है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज की मैं बात कर रहा था वो स्पायरोमीट्री के वो ये हैं। इसमें जो मैं जिन तीन वैल्यूज की बात कर रहा था वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। FVC, FEV1 और FEV1 और FVC की रेशो। बाज़ुकात कुछ स्पायरोमीट्री की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें FEV1 लिख के ये है कि FEV1 की और FVC की परसेंटेज ही है। तो ये तीन वैल्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके अलावा हम बाकी वैल्यूज वो देख सकते हैं। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह होती है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक फ्लो वॉल्यूम लूप है और इसमें डिफरेंट टाइम पॉइंट्स बने हुए हैं। ये जो ए पॉइंट है दिस इज स्टार्ट ऑफ इनहेलेशन। इस वक्त हमारी लंग्स के अंदर थोड़ा सा लंग वॉल्यूम होता है, यानी इवन टाइडल वॉल्यूम भी बाहर होता है, तो इसको हम 0.0 कंसिडर करते हैं। उसके बाद पेशेंट फोर्सफुली जोर से इंस्पायर करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, और एक ऐसे पॉइंट है सी पॉइंट पे जब वो मैक्सिमम इंस्पायर कर लेता है, तो लंग्स के अंदर हवा फुल भर चुकी होती है, और सी पॉइंट स्टैंड्स फॉर टोटल एयर। अगर आप ट्रायंगल की शक्ल में है, इसकी रीजन ये है कि जब हम एक्सपायर करते हैं ये पॉइंट सी से डी की तरफ मूव करते हैं, तो हवा शुरू में बहुत तेजी के साथ बाहर निकलती है एक एक्सप्लोजन के साथ। तो सी से डी का जो दरमियान फासला है ना, इसको हम कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड।
हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तो पहले सेकंड के अंदर मैक्सिमम हवा 80% तक बाहर निकल जाती है, बाकी जो 20% है वो बड़ी सर। तो इस टोटल जो एक्सपायरेटरी लेंथ है इसको हम कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। फोर्स्ड इसलिए कहते हैं कि हम पेशेंट को पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हुए ये एडवाइस करते हैं कि जब उसने एक्सपायर करना हो तो वो जोर लगा के हवा बाहर निकाल ले, जिस तरह हमने ब्लो करना होता है, तो इसलिए इसको फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। तो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक हम इसको कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, जो 80% एक्सपायरेशन को शो करता है। डी से ए तक जो पॉइंट है वो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन रिमेनिंग टाइम है, जो यूजुअली 3 से 4 सेकंड तक का होता है। और जब बंदा हर चीज है तो उसके लंग्स वापस ए तक पहुंच, किस तरह हम पर जब होता है तो वो पूरा फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन रिमेनिंग टाइम वो बनाया था ग्राफिकल, एक मैंने खुद लिख के बनाया था इसको, आसान एल्गोरिदम। तो जब भी आपने किसी भी पेशेंट का आपने ये चेक करना है कि उसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, तो सबसे पहले आपने इस वैल्यू को देखना है। ये वैल्यू मैंने आपको बताया था कि FEV1 या FVC की रेशियो है, या चंद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की जो आप कह लें कि रिपोर्ट्स हैं उनमें FEV1 के आगे परसेंटेज लिखी होती है, तो ये सेम मीनिंग है इसका। अब जब आप इस वैल्यू को देखेंगे, इसको समझ लें, क्योंकि आगे जो हम एग्जांपल हल करेंगे या नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आप हाउस जॉब में आएंगे तो आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे, उसमें आप इसी तरह इंटरप्रेट करेंगे। तो FEV1 ओवर FVC की हम जो रेशियो है उसकी वैल्यू देखेंगे, दो ऑप्शंस आ सकते हैं। अगर तो वैल्यू 70% है या 0.7 से कम है तो ये आ जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में, और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस मैंने बताया था कि एस्थमा और COPD है। और अगर वैल्यू 0.7 या 70% से ज्यादा आ जाती है तो ये रिस्ट्रिक्टिव या नॉर्मल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। तो यानी सिर्फ एक वैल्यू चेक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है या रिस्ट्रिक्शन है या वो नॉर्मल है, ये पहली नजर में आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पहले हम ऑब्स्ट्रक्टिव की तरफ आते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव में हमें ये तो पता लग गया कि ये एस्थमा है या COPD है। अब ये कैसे पता चलेगा कि एस्थमा है या COPD है? इसके लिए जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, जिसका तरीका ये है कि हम पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर दे के उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रिपीट करते हैं। अगर ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद पेशेंट का पल्मोनरी फंक्शन इम्प्रूव कर जाए तो ये एस्थमा को शो करता है, और अगर इम्प्रूव ना करे तो ये COPD को शो करता है। तो रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग करनी कैसे है कि हम पेशेंट को सालब्यूटामोल, जो मार्केट में वेंटोलिन के नाम से आता है, उसे नेबुलाइज करवाएंगे, और 15 मिनट के बाद हम दोबारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रिपीट करेंगे और उसमें FEV1 की वैल्यू देखेंगे। अगर तो FEV1 की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं होता तो आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट को इररिवर्सिबल एयरवे डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, एंड दैट इज COPD। लेकिन अगर पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद उसके FEV1 में 200 ml एंड 15% का इजाफा हो जाए, बाज बुक्स में 12% भी लिखा हुआ है, ये दोनों शर्तें होनी चाहिए, 200 ml का भी इजाफा हो और 15% भी इजाफा हो, तो इसको हम एस्थमा लेबल करेंगे। तो इस तरह एक थोड़े से मनोबल से हमें ये पता चल जाएगा कि पेशेंट को एस्थमा है या COPD है। लेकिन बुनियादी शर्त ये है कि पेशेंट की FEV1 और FVC की जो रेशियो है वो 70% या 0.7 से कम हो। नीचे ये मैंने सेवेरिटी लिखी हुई है ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज की। तो FEV1 की वैल्यू आप देख लेंगे कि अगर वो प्रिडिक्टेड वैल्यू जो स्पायरोमीट्री मशीन होती है उसमें बहुत सारे उस एज और जेंडर के लोगों की नॉर्मल वैल्यूज लेके एक एवरेज निकाली होती है, तो इसलिए जब आप स्पायरोमीट्री करते हैं तो आप पेशेंट की जेंडर, उसकी एज और उसकी हाइट एंटर करते हैं। इससे मशीन को अंदाजा लग जाता है कि आप कौन से नॉर्मल को हार्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर FEV1 की वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यू की 80% से ज्यादा हो तो पेशेंट को माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है,
65 to 80% तक हो तो माइल्ड, 50 to 65 मॉडरेट, 35 to 50 सवेयर, और लेस देन 35 इज वेरी सवेयर. ये क्लासिफिकेशन है ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज की सिवेरिटी की. ये अस्थमा पर भी अप्लाई होती है, सीओपीडी पे भी अप्लाई होती है. अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि हम इसको किस तरह करेंगे कि अगर वैल्यू 70 या 0.7 से ज्यादा हो, तो इसमें दो ऑप्शंस हैं. या तो पेशेंट को रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज होगी या वो नॉर्मल होगा. अब ये कैसे पता चलेगा कि रिस्ट्रिक्टिव है या नॉर्मल है? इसके लिए आपने FEV1 और FVC की इंडिविजुअल वैल्यूज देख लेनी है कि ये प्रिडिक्टेड वैल्यू के बराबर हैं या उससे कम है. अगर ये प्रिडिक्टेड वैल्यू के बराबर हैं तो पेशेंट की नॉर्मल स्पाइरोमीट्री है, यानी उसकी रेशियो भी नॉर्मल है और उसकी FEV1 और FVC की रेशियो भी नॉर्मल है. और अगर FEV1 और FVC की वैल्यू रिड्यूस्ड हो तो इसको हम रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज कहते हैं. यहाँ से आगे हम एक और टेस्ट करते हैं जिसको डेल्को या KCO कहते हैं. इस टेस्ट करने का मकसद ये है कि एयरवे जो हमारी चेस्ट है उसमें रिस्ट्रिक्शन किस वजह से हो सकती है. या तो बाहिज की कोई कॉज होगी, यानी पेशेंट अगर बहुत ज्यादा ओबीज है तो उसको सांस लेने में रिस्ट्रिक्शन होगी. इसी तरह अगर पेशेंट को फ्लेल चेस्ट है, उसकी चेस्ट का ट्रॉमा हुआ और वो सांस नहीं ले पा रहा, तब भी उसको रिस्ट्रिक्शन होगी. इसी तरह अगर पेशेंट को लंग फाइब्रोसिस है, तब भी रिस्ट्रिक्शन होगी. तो ये चेक करने के लिए कि पेशेंट को लंग के बाहर की कॉज की वजह से रिस्ट्रिक्शन है या लंग के अंदर की कॉज की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, इसके लिए हम ये DLCO या KCO करते हैं. अगर DLCO या KCO की वैल्यू रिड्यूस्ड हो तो इसका मतलब ये कि पेशेंट के लंग पैरेन्काइमा में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन आ रही है. और अगर ये वैल्यू नॉर्मल हो तो इसका मतलब पेशेंट के बाहरी कोई एक्सटर्नल फैक्टर है. मिसाल के तौर पे उसने कोई, वो पेशेंट ओबीज है या उसकी फ्लेल चेस्ट है और उसकी वजह से उसको रिस्ट्रिक्शन वो आ रही है. तो इसको एक दफा गौर से देख लें इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स. ये पहले आपने परसेंटेज देखी, परसेंटेज से डिटरमिन किया कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या रिस्ट्रिक्टिव है. अगर ऑब्स्ट्रक्टिव आ गया तो रिवर्सिबिलिटी टेस्ट किया. रिवर्सिबिलिटी टेस्ट में अगर रिवर्सिबिलिटी नहीं है तो सीओपीडी है, रिवर्सिबिलिटी है तो एस्थमा है. और इसी तरह अगर रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न आ गया या नॉर्मल आपको आ गया, यानी 70% से ज्यादा है, तो अब आपने ये चेक करना है कि रिस्ट्रिक्शन है या नॉर्मल है. इसमें आप FEV1 और FVC की इंडिविजुअल वैल्यू चेक करेंगे एंड देन यू विल सी कि अगर वो नॉर्मल वैल्यूज हैं तो आप कहेंगे कि ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग नॉर्मल है. और अगर FEV1 और FVC की वैल्यू इंडिविजुअली भी रिड्यूस्ड है, प्रिडिक्टेड से कम है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है. अब ये चेक करना है कि रिस्ट्रिक्शन किस वजह से है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या इंटरनल फैक्टर्स हैं, उसके लिए आप KCO कर देंगे. ये नीचे मैंने सेवेरिटी रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज की वो बताई हुई है. इसमें देख लें कि वैल्यूज वही हैं, मोर देन 80, 65 to 80, 50 to 65, 35 to 50 एंड लेस देन 35. और वर्ड्स भी वही यूज किए हुए हैं, लेकिन फर्क क्या है कि उधर हम FEV1 से कैलकुलेट करते थे, इधर हम FVC से कैलकुलेट करते हैं. तो इट मीन्स के ऑब्स्ट्रक्शन के लिए FEV1 और रिस्ट्रिक्शन के लिए FVC. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. ये मैंने फ्लो वॉल्यूम लूप का एक ड्रॉ किया हुआ है. जो नॉर्मल वाला है, जो ब्लू राइटिंग में है, वो आप पहले ही देख चुके हैं, ये वाला. अच्छा, जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आएगा उसका फ्लो वॉल्यूम लूप कैसा होगा? उसमें क्या होगा कि जो इंस्पायरेशन जो है, ये वाली जो ब्लैक में नीचे आ रही है, ये तो तकरीबन सेम ही रहेगी. लेकिन अगर आप एक्सपायरेटरी लिम की तरफ गौर करें तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि सीओपीडी और एस्थमा के पेशेंट हवा बाहर नहीं निकाल सकते. इसके लिए हम बेड साइड पे एक क्लिनिकल टेस्ट भी करते हैं जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टाइम. यानी नॉर्मल जो इंडिविजुअल है वो 2 से 3 सेकंड में सारा सांस बाहर निकाल देता है, लेकिन सीओपीडी वाले कई कई उन्हें सेकंड लगते हैं. बाज लोग तो 10 सेकंड के लिए भी सांस बाहर निकालते रहते हैं. तो सीओपीडी एस्थमा वालों में इंस्पायरेटरी लिम तकरीबन ठीक रहेगा, लेकिन एक्सपायरेटरी लिम के अंदर जो FEV1 है दैट विल बी रिड्यूस्ड, और इसलिए ये वैल्यू नीचे आ जाएगी. और अगर आप रिस्ट्रिक्शन का देखें जो रेड इंक में है, तो आप देखेंगे उसमें इंस्पायरेटरी भी सिग्निफिकेंटली कम हो गया है और एक्सपायरेटरी भी सिग्निफिकेंटली कम हो गया, लेकिन उसकी शेप में कोई फर्क नहीं आया. ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा वाला जो कर्व है, जो नॉर्मल कर्व है, उसकी एक स्मॉलर फॉर्म है. सिमेट्री वही है लेकिन शक्ल थोड़ी नीचे है. तो ब्लू में नॉर्मल, रेड में रिस्ट्रिक्शन और ब्लैक में ऑब्स्ट्रक्शन. अच्छा, अब
फ्लो वॉल्यूम लूप से हम कुछ और भी चीजें देख सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये देखें, अच्छा जी, ये जो लिम्ब है इसकी शेप में अगर चेंजेस हों तो आप बाकी रिजल्ट को देखे बगैर भी बता सकते हैं को कोई प्रॉब्लम है। ये जो आप मिसाल के तौर पे ये वाला अगर आप देखें फर्स्ट वन, तो इसमें क्या एबनॉर्मेलिटी आपको नजर आती है? एनिमल सर फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हाँ, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्सपायरेटरी लिम्ब जो है वो फ्लैटन हुआ हुआ है, ऐसे ही है। अच्छा, सर जी सर अब इसका मतलब ये है कि पेशेंट के कोई इंट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से उसका एक्सपायरेटरी लिम्ब है ना वो छोटा हुआ हुआ है या फ्लैट हुआ हुआ है। अब इस चीज को याद कैसे करना है वो मैंने ये हिंट दिया हुआ है, यानी अगर पेशेंट के एक्सपायरेटरी लिम्ब में कोई मसला हो तो उसको इंट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अब अगली मिसाल देंगे तो इस रिलेशन को, इसमें दूसरे में क्या प्रॉब्लम है? इंस्पिरेटरी लिम्ब जो है उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, इंस्पिरेटरी लिम्ब में प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि पेशेंट को एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन है। अगेन ये वाली इक्वेशन, यानी जिस लिम्ब में प्रॉब्लम है उसके ऑपोजिट जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है तो इंट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और अगर इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, समझ आ गई? और अगर दोनों लिम्ब फ्लैट हो, इसमें दोनों लिम्ब्स फ्लैट हो, तो पेशेंट को फिक्स्ड एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन है। ये वाली थी वेरिएबल एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी चीज है जिसका साइज कम या ज्यादा होता रहता है, लेकिन फिक्स्ड एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन में एक फिक्स्ड चीज होती है, जैसे अगर कोई ट्यूमर मौजूद है तो उसमें दोनों लिम्ब्स वो फ्लैट हो जाएंगे। इसको देखें, ये क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है फोर्थ वन में? सर शायद है तो इंस्पायरेटरी ही लेकिन वो ऑल्टर कर रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि पेशेंट सही एफर्ट नहीं लगा रहा, दरमियान में कफ करता रहा है जिसकी वजह से उसकी इंस्पायरेशन नहीं सही हो गई। इसको हम कहते हैं सॉ टूथ पैटर्न, आरी की तरह का जो पैटर्न है, तो ये शो करता है कि पेशेंट ने अच्छी एफर्ट नहीं की हुई। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या प्रॉब्लम है ये वाले, ये इसमें पेशेंट ने सही एक्सपायरेशन नहीं की, पहले उसने थोड़ा सा एक्सपायर किया, फिर दरमियान में उसे कफ आ गई तो ये कर्व सा आ गया, और उसके बाद दोबारा उसने ना वो किया। तो यानी शेप जो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के ग्राफ की वो हमें काफी हद तक बता देती है ये क्या है। फिक्स्ड एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन की एग्जांपल्स हैं ट्यूमर, अगर कोई भी ट्यूमर है जैसे थायराइड का ट्यूमर है, और वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन इसकी मिसाल है, अगर कोई कैरोटिड का एन्यूरिसम हो तो वो वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन है, और वेरिएबल इंट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन है ईसोफेगस की वॉल के अंदर कोई ग्रोथ हो जो ट्रेकिया को दबा रही हो तो देयर विल बी वेरिएबल इंट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन। ये कैसे पता चलता है कि एक्स्ट्रा थोरेसिक और इंट्रा थोरेसिक का पैरामीटर क्या है? तो वो हमारी ये जो सुपरा ये वाली नॉच है इसके अंदर नेक के बिल्कुल जहां से नेक स्टार्ट होती है, इसके ऊपर ऊपर होगी एक्स्ट्रा थोरेसिक रीजन और इसके नीचे नीचे होगा इंट्रा थोरेसिक रीजन। जहां से थोरेसिक इनलेट स्टार्ट होता है वो हमारा पॉइंट है फॉर इंट्रा थोरेसिक एंड एक्स्ट्रा थोरेसिक। तो ये सुपरा स्टर्नल पॉइंट से ऊपर का जो एरिया है दैट विल बी एक्स्ट्रा थोरेसिक। अच्छा, आप केसेस आ गए, आप सारे लोग अपने माइक ऑन कर लें ताकि इस पर है ना हम बात कर लें। ये सबको क्लियर पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ें और मुझे थोड़ा बताएं कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। सर इट सबसे इज पहले ऑलमोस्ट क्या नॉर्मल देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? ठीक FeV1 प्रेशर FVC है, तो वो कितनी है? सर 78% ऑलमोस्ट नॉर्मल नहीं, ये तो प्रिडिक्टेड वैल्यू ना, हमने एक्चुअल देखनी है। 73% सेवेंटी सर थ्री परसेंट है, तो यानी आप कह सकते हैं कि ये एटलीस्ट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टिव और नॉर्मल, ऐसा ही है। यस सर अब आगे किस तरह चलेंगे, आगे कौन सी वैल्यू देखेंगे?
FVC सर इंडिविजुअल वैल्यूज देखेंगे. हाँ ये दो इंडिविजुअल वैल्यू लिख रही है, इसके बारे में देखो क्या सिचुएशन है. सो दीज आर आल्सो ऑलमोस्ट नॉर्मल. नॉर्मल है, एक 102% ऑफ प्रिडिक्टेड और एक 95%. तो इसका मतलब के पेशेंट इसकी स्पाइरोमीट्री क्या है? नॉर्मल मैकेनिकल नॉर्मल. आप ये भी देख सकते हैं ये खाना क्या है, इसका क्या मतलब आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये चेंज देखें, देयर इज नो चेंज. यानी चेंज की परसेंटेज हमने कितनी डिटरमिन की थी, 12 या 15% हो तो कुछ नहीं. ठीक है, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं. चलें जी इसको देखें. रिस्ट्रिक्टिव लॉन्गिटी सर. अच्छा वही कहते हैं पैरामीटर देखें. सबसे पहले ये वैल्यू देखें ना, ये सर रिस्ट्रिक्टिव परसेंटेज चेक करें. ऑब्स्ट्रक्टिव जो 70% से कम है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव. ऑब्स्ट्रक्टिव 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 है. अब ऑब्स्ट्रक्टिव के बाद कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव में? सीओपीडी एंड एस्मा. एस्मा एम्फाइसिंग कैसे डिफरेंशिएट करना है हमने? प्री एंड पोस्ट रिवर्सिबिलिटी टेस्ट. FEV1 में क्या चेंज आई है? इंक्रीज कर जाएगा. हाँ ये देखें, ये 30% चेंज हुई है. हमने तो कहा था कि 12 या 15% से ज्यादा हो जाए तो हम रिवर्स. तो ये तो 30% है. इट मींस दैट पेशेंट इज हैविंग रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट लाइकली एस्थमा. या ग्राफ भी देख सकते हैं कि ये पहले ग्राफ था, ये ब्रोंकोडायलेटर के बाद ये वाला ग्राफ बना है. ये लकीर नहीं आई उसमें तस्वीर में, बट ये वाला. तो ये आप देखें कि एक्सपायरेशन में कितना फर्क आया है. यस सर. ठीक है जी नेक्स्ट पे चलते हैं. ठीक है जी इसको देखें. सर इट इज मिक्स्ड. ठीक है जी ऑब्स्ट्रक्टिव आ गया. ऑब्स्ट्रक्टिव ठीक है. अब फिर वही मसला ब्रोंकोडायलेटर. हाँ जी ब्रोंकोडायलेटर हमने दिया और उसका क्या रिजल्ट निकला? 112. हाँ जी यानी पेशेंट की पहले FEV1 की वैल्यू थी 0.89 और बाद में कितनी हो गई? 1.89. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट सर 15% के साथ साथ 200 ml भी चेक करना था. वो कहाँ से चेक करना? वो अक्सर उसमें नहीं होता मतलब रिपोर्ट्स में ना, तो एक पैरामीटर कोई दिया होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला पैरामीटर अक्सर मशीन्स में होता है. ठीक है तो अगर एग्जाम में आता है तो वैसे ऐड वो कर सकते हैं कि 300 ml या 400 ml का इजाफा हो गया. तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की सिवेरिटी कितनी है? ये देखें ना FEV1 की वैल्यू है 25% ऑफ द प्रिडिक्टेड. तो हमने उधर क्या देखा था कि अगर 30 से कम हो तो क्या होगा? आप इधर से देख सकते हैं कि प्रिडिक्टेड वैल्यू 3.6 और पेशेंट की है 0.9. तो ये कितनी कम है? तो इससे आप ये सेवेरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं. ठीक है जी. यस सर. ओके फोर्थ वाला देखें. ऑब्स्ट्रक्टिव ठीक है. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. अब आगे किस तरह चलेंगे? मिक्स्ड का आंसर मैं करता हूं अभी आपको. सर फिक्स्ड फिक्स्ड. अच्छा सॉरी फिक्स्ड. ठीक है आगे चलें. FEV1 की जो वैल्यू है वो इसमें उसने पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर दिया ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है. अब आगे अच्छा अब फर्दर डायग्नोसिस के लिए क्या देखेंगे? ये इस पे शेप पे गौर करें जो फ्लो वॉल्यूम लूप है. सर फ्लो वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड टाइप का है. फिक्स्ड है. हां जी इंस्पिरेटरी भी फ्लैटेंड है और एक्सपिरेटरी भी फ्लैटेंड. पेशेंट को फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है तो इसका मतलब ये कि एस्थमा और सीओपीडी के अलावा जो तीसरी डिजीज ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है दैट कैन ट्यूमर
ट्यूमर या कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जैसे फिक्स्ड एयरवे हो सकती है या वेरिएबल वो कर सकती है. अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसमें इसका क्लू भी लिखा हुआ है. ट्रेकियोस्टोमी को एक्सटेंड हुआ ना सर उसको. हाँ ये ट्रेकियोस्टोमी हुई है ना, तो ट्रेकियोस्टोमी जब हील होती है ना तो अंदर फाइब्रोसिस एरिया बन जाता है, उससे ट्रेकिया का कैलिबर छोटा हो जाता है. उसकी वजह से ट्रेकियल स्कार हमें सर्जिकली बाद में अक्सर रिमूव करना पड़ता है, तो उसके पीएफटी ऐसे आते हैं. ठीक है. अच्छा ये लेस देन 1 मिनट रह गया, हमारे 5-6 केसेस हैं, वो दोबारा आप कनेक्ट कर लीजिएगा. जी सर. चलें ये केस देखते हैं. हिस्ट्री पहले एक दफा देख लो ताकि में सर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. रिस्ट्रिक्टिव नहीं, पहले तो ये देखे ना कि सिस्टेमिक हम चलते हैं कि 91% है या नॉर्मल है, या नॉर्मल है या रिस्ट्रिक्टिव, क्योंकि ये ईटी से 70 से ऊपर है. अब अगला हमने एल्गोरिथम के मुताबिक क्या करना है, जो वैल्यूज आप देखें कि कम है या ज्यादा है. ये देखें, ये इंडिविजुअल वैल्यू कम है सर. कम है. अच्छा अब हम थे इस पॉइंट पे कि ओके तो उसमें यही आ जाएगा कि हमने FEV1 और FEC की इंडिविजुअल वैल्यूज देख ली एंड इट शोज दैट पेशेंट इज हैविंग रिस्ट्रिक्शन. अब रिस्ट्रिक्शन से अगला स्टेप क्या होगा? DLCO. DLCO देखेंगे. इसमें क्या DLCO सर? रिड्यूस्ड है तो सर. रिड्यूस्ड है तो लंग पैरेन्काइमा. लंग पैरेन्काइमा में प्रॉब्लम होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है लंग पैरेन्काइमा में एक 30 ईयर की लेडी में? यंग एज है तो मोस्ट लाइकली शी विल बी हैविंग इंटरस्टीशियल लंग डिजीज.
लंग फाइब्रोसिस इज मोस्टली अ डिजीज ऑफ ओल्ड एज, तो इसी स्टेम के अंदर है रीजन के पेशेंट को इंटरस्टीशियल लंग डिजीज क्यों है। हाइपरटेंसिव न्यूमोनाइटिस सर। सही है, ठीक है। किस तरह आपने देखा हाइपरसेंसिटिविटी? सर कैट्स से, इसके पास कैट से नहीं होता, ये पैराकीट्स जो है ना ये तोते की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो बर्ड्स है ना वो बहुत कॉमन कॉज हैं हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस करने के। हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस एक ऐसी इंटरस्टीशियल लंग डिजीज है जो ऑर्गेनिक मटेरियल से एक्सपोजर की वजह से, पैराकीट्स इसमें शामिल है उनका ना ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल अच्छा। इसके आपने फ्लो वॉल्यूम पे गौर किया कैसे? सर शेप बिल्कुल सेम है नॉर्मल के, लेकिन साइज छोटा होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। दिस केस नंबर 7 जी क्या है? रिस्ट्रिक्शन पैटर्न रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव है क्योंकि FEV1 और FVC की रेशियो भी कम है। अगेन हम क्या चेक करेंगे? FVC और FEV इंडिविजुअल वैल्यूज वो कम है। जी तो रिस्ट्रिक्शन लंग के अंदर है, पैरेन्काइमा के अंदर है। तो इसका मतलब कि पेशेंट को कोई लंग इंटरस्टीशियम में प्रॉब्लम है। ठीक है सॉरी, इसका मतलब है रिस्ट्रिक्टिव का लंग इंटरस्टीशियल में प्रॉब्लम यहां से पता चले। हाँ जी, और आप ग्राफ पर भी देखें तो ये बिल्कुल छोटा सा एक ग्राफ मौजूद है। आई थिंक दिस इज नहीं, ये कौन है ये केस है। अच्छा पेशेंट का जो FEV1 है और FEV1 और FEC को देख तो वो भी रिड्यूस्ड है। तो फाइनली बैक साइड ये टीवी वगैरह बंद कर दें। डॉलर की और कितने अच्छा लगता भाई है के दो क्वेश्चन रह गए हैं, बहुत सल्ली से सुन ले फिर तो यही काम ही करने। अच्छा FEV1 और FEC की रेशियो है कम और साथ में क्या है FEV1 भी रिड्यूस्ड है और FVC वो भी रिड्यूस्ड है। ठीक है तो इसका हम क्या देखेंगे? इसमें अगर आप देखें तो ये नीचे एक अलहदा से उन्होंने दिया होगा तो FVC को देखें तो ये भी बहुत रिड्यूस्ड है। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को मिक्स्ड टाइप का है। वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन ये मैंने ऐड इसलिए किया था कि इस चीज को आपको दिखाना था कि पेशेंट जब उठ के बैठता है तो आप देखें उसकी जो FEV1 और वैल्यूज इंक्रीज कर जाती हैं और जब वो लेटता है तो ये वैल्यूज कम हो जाती हैं। तो क्या मसला हो सकता है उसका? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा इसमें ये देखें ना ये हिंट भी दिया हुआ है थोपनी है सर उसको लेटने से सांस की कुछ हार्ट पोस्टरल डिस्टर्बेंस। राइट हार्ट की कॉजेस क्या होती हैं थोपनी की? राइट हार्ट फेलियर पल्मोनरी एडिमा। सही है पल्मोनरी एडिमा। और इसके अलावा सर PND। इसके अलावा पेशेंट को अगर डायफ्राम पाल्सी हो तब भी जैसे ही वो लेटेगा उसका सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है तो ये एक एग्जांपल थी आउट ऑफ द वे लेकिन ये है कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि जहां ये वाला पल्मोनरी हम सजेस्ट कर रहे हैं तो आप ये देखिए लास्ट है मेरे का ये देख
अच्छा इसमें FeV1 और FeC है 99 और ये काफी ज्यादा है, तो ये पेशेंट क्या रिस्ट्रिक्टिव है या नॉर्मल है? Yes, तो अब इंडिविजुअल वैल्यू देखें तो वो कम है, इसका मतलब के पेशेंट को रिस्ट्रिक्टिव है। और उसके बाद अगर आप इसको देखें तो DLC, तो ये भी रिड्यूस्ड है। इतना नहीं है रिड्यूस्ड, आप देखें कि प्रेडिक्टेड होना चाहिए 26 और इसका है 21, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट की एक्सट्रा में इतना प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही है। तो आप स्टैम्प पढ़े आपको अंदाजा हो जाएगा क्या एक्सटर्नल लिमिटेशन है। ये देखिए एक्सरसाइज लिमिटेशन, ये पेशेंट है, हाँ जी हाँ जी, ये पेशेंट है मोटर न्यूरॉन या उसकी मस्कुलर डिसऑर्डर्स या इनकी है। ये होता है कि पेशेंट का डायफ्राम वीक हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होता है डिस्पनिया। लेकिन अगर आप कोई ड्रग दें जिससे डायफ्राम बेहतर हो जाए तो फौरन उसका DLCO उसका नॉर्मल रहता है। ओके सर, ठीक है, अब ये खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा अगर नहीं है क्वेश्चन तो आप मुझे ना लिख के भिजवा सकते हैं, वो नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर अभी पूछने हैं तो आप अभी पूछ लें, हम 2-4 मिनट वेट कर सकते हैं। आर्टेरियल ब्लड गैसेस आपने मतलब कोई पढ़ा नहीं? आर्टेरियल ब्लड गैसेस को नेक्स्ट जो हमारा है ना उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है सर। यार सारे एडल्ट लर्नर हो, बताओ क्या मर्जी है, अभी क्वेश्चन करने हैं या बाद में? बाद में सर, बाद में, मुझे 100% यही उम्मीद थी। चलो ठीक है, आप है ना बिलाल, बिलाल को कह देना क्वेश्चन उसको भेज देना, तो बिलाल को भेज देगा इनवॉइस के साथ। और इसका सेशन का फीडबैक भी आप बिलाल को ही मेंशन दे देना या मुझे भेज देना, ठीक है? बहुत अच्छा रहेगा सर जी, बाद में दे देना, अभी मुझे पता है तुम वो मेकअप करने की कोशिश कर रहे हो क्वेश्चन वाली बात। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस फॉर्म में स्कूल वो की है तो वो पता चल जाए कौन कौन आया है। इसमें एडिटिंग किया वाला, ठीक है जी। अटेंडेंस आप किस तरह देते हो? सर स्क्रीनशॉट से। हम्म, सर वो बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं, सर 92 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर किसी का मसला हो तो वो स्क्रीनशॉट अपना सेंड कर दे सर, क्योंकि अगर फैसलाबाद में बारिश हो रही है तो बाद स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, हमारा इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा। अच्छा आपको फैसलाबाद की सर, उधर एक और बच्चे की सर, एक लड़की है उसकी मतलब मामू की डेथ हो गई है, इस तरह एक केस भी है, सेकेंडली Baby Yoda.